बात आपकी भी दुरुस्त है बहन जी, लेकिन रिश्ते जोड़ते वक्त स्टेटस का फर्क बहुत अहमियत रखता है। आप फिक्र ना करें अंकल, शांति को मैं बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे हाथ का छाला बनाकर रखूंगी, आप फिक्र ही ना करें। हाँ, कहाँ रखेंगी आप? जी अब अपने घर में। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी बेटी उस माहौल की आदी नहीं है। पानी भी मुलाजमा पिलाती है उसे। आप फिक्र ही ना करें, मैं खुद पानी पिलाऊंगी और फिर हम मुलाजमा भी रख लेंगे। क्यों शानी जी? फैसला हमारे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मानना पड़ा। लेकिन बहन जी, मेरी एक शर्त है। शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। मगर भाई साहब, ठीक है अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर। बारिक हो आपको, अल्लाह इन दोनों को खुश रखे हमेशा एक दूसरे के साथ। मुबारक हो। और शादी के फौरन बाद हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं, यहां पे सिर्फ ये दोनों ही होंगे।
शादी के बाद मेरा बिजनेस भी ये दोनों ही देखेंगे। लेकिन राइट्स शांजे के पास होंगे। जो आपको मुनासिब लगे अंकल। मुबारक, आपको भी मुबारक। मेरी एक शर्त है, शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बारिक हो आपको, अल्लाह इन दोनों को खुश रखे हमेशा एक दूसरे के साथ। और शादी के फौरन बाद हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही होंगे। शादी के बाद मेरा बिजनेस भी ये दोनों ही देखेंगे। लेकिन राइट्स शांजे के पास होंगे। जो आपको मुनासिब लगे। सोई क्यों नहीं बेटा? मैं तो समझ रहा था आज आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तंस कर रहे हो मुझ पर? नहीं अम्मी, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करके आ रहा हूं। तो परेशान मत हो। तुमने घर दामाद बनने की शर्त क्यों कबूल की? रह सकोगे हम सबसे दूर? तुम तो आप लोगों ने मुझे बहुत पहले कर दिया था अम्मी। यहां भी अजनबी बन के ही रह रहा, वहां भी रह लूंगा। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। नादिया को साथ क्यों नहीं लेके आए?
कहाँ से लेके आता, वो तो शादी की तैयारी में इतनी मसरूफ है बता नहीं सकता। मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा कि आपको खुद मुबारकबाद देता। थैंक यू सो मच। शानी की जिद को आपकी मोहब्बत मोम नहीं कर सकी, लेकिन हमारी जिद ने मोम कर दिया। मैं समझी नहीं। शानी तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, ये तो मैंने आपको बहन बनाया था ना, इसलिए मैंने नादिया से कहा देखो अगर शानी ना माना ना तो ना हम उससे ताल्लुक रखेंगे ना उनके घर वालों से ताल्लुक रखेंगे। ये लिए? अरे शानी ने नहीं बताया आपको? हमारे तो इतने दिनों तक नाराजगी रही है, घर आना जाना बंद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली मान गया। बेवकूफ है, आपसे ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर उसे कहां मिलेगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मेरी वजह से आप लोग की नाराजगी हुई। कमाल करती हैं आप, कहा ना आपको बहन बनाया है तो शर्मिंदगी किस बात की। मैंने जो भी किया ना अपना फर्ज समझ के किया। थैंक यू। आप शादी तक तो रुकेंगे ना? कैसे नहीं रुकूंगा, मेरे इकलौते साले और बहन की शादी है, रुकना तो पड़ेगा। और वैसे भी अब तो मुस्तकिल यहीं रहना है। आप दुबई में जॉब करते हैं ना? हाँ, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, ये बात अभी तक ना मैंने नादिया को नहीं बताई। अच्छा नहीं लगता ना कि शादी के फौरन बाद उसे कहूं कि जॉब खत्म हो गई, वापस नहीं जाऊंगा। अब यहीं रह के कुछ ना कुछ करूंगा। आपने कोई जॉब तलाश की? जॉब किसने देनी है मुझे, एजुकेशन नहीं है ना कुछ ज्यादा मेरी। वहां दुबई में भी ना मैं स्टोर पे काम करता था, यहां भी सोचा कुछ ऐसा ही काम शुरू करूं, लेकिन काम शुरू करने के लिए तो सरमाया चाहिए होता है। फिर सोचता हूं कि नादिया की गाड़ी और जेवर जो है ना वो बेच देता हूं, लेकिन बहुत अजीज हैं दोनों चीजें उसको, बेचारी उदास हो जाएगी। आपका क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए मुझे? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं नहीं, आप नादिया की करीबी दोस्त हैं, उसके भले के लिए कुछ कर नहीं सकती, मशवरा तो दे सकती हैं। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, नादिया को एतमाद में लिख के सब कुछ बता दें, वो मुझसे अच्छा मशवरा देगी। आप आप बैठे, मैं चाय का कहती हूँ। रिश्ता होते ही कुछ कुछ बेमुरव्वत सी नहीं हो गई आप? ए राम ए जुनून।